चैडविक बॉसमैन के जाने के बाद हम सभी मार्वल फैन सिर्फ यही सोच रहे थे कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी के अंदर अब कौन सा कैरेक्टर नया ब्लैक पैंथर बनेगा और वकांडा को लीड करेगा। लेकिन इस मामले में हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम मार्वल कॉमिक्स पर नजर डालें तो वहां हमें और भी कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स नजर आते हैं जो कि कभी न कभी ब्लैक पैंथर बन चुके हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल कॉमिक्स में दिखाए गए ब्लैक पैंथर्स पर नजर डालेंगे और उनमें से उन टॉप 10 ब्लैक पैंथर्स की बात करेंगे जो कि अब तक के सभी ब्लैक पैंथर्स में सबसे पावरफुल हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरे एंड तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि इस चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। इसके साथ ही जो भी डीसी फैंस इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि कल रात को ही शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स का भी ट्रेलर आ चुका है और इसीलिए मैं बहुत ही जल्द शज़ाम के टॉपिक पर एक काफी अच्छी वीडियो लेकर आ रहा हूं। इसीलिए चैनल से जुड़े रहें ताकि आपसे वो वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। और इसके अलावा जैसा कि हम सभी को पता लग ही गया है कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर ट्रेलर के अंदर नेमोर को दिखाकर उसे भी एमसीयू में कंफर्म कर दिया गया है। इसीलिए ऐसे में अगर आप ब्लैक पैंथर वर्सेस नेमोर के टॉपिक पर एक फाइट कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ब्लैक पैंथर और नेमोर में से ज्यादा पावरफुल कौन है, तो आप इस बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि हम इस टॉपिक पर एक कमाल की वीडियो ला सकें। तो आइए अब इन सारी बातों को साइड करते हुए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 शूरी। तो शूरी वकांडा की प्रिंसेस है जो कि टिचाला की बहन और किंग टिचाका की बेटी है। शूरी को एमसीयू के सबसे स्मार्ट लोगों में गिना जाता है जो कि ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क जितनी स्मार्ट तो नहीं है, लेकिन अपनी एज के अकॉर्डिंग शूरी का आईक्यू बहुत ज्यादा है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर शूरी को ब्लैक पैंथर बनते हुए बहुत कम ही देखा गया है, पर एक बार कॉमिक्स में जब टिचाला एक बैटल के दौरान बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है तब उसके बाद शूरी नया ब्लैक पैंथर बनने का फैसला करती है और अपना बनाया हुआ वाइब्रेनियम ब्लैक पैंथर सूट पहनकर नई ब्लैक पैंथर बनती है। इसके अलावा एक दूसरी स्टोरी लाइन के अंदर भी जब किंग टिचाला किसी वजह से कोमा में चला जाता है तब शूरी टिचाला की जगह लेती है और नई ब्लैक पैंथर बनती है जिसे कहा जाता है फीमेल ब्लैक पैंथर। नंबर 9 व्हाइट टाइगर। तो व्हाइट टाइगर का असली नाम केविन कोल होता है जो कि यूएस के अंदर एक नारकोटिक्स कॉप होता है और ये ड्रग डीलर्स को पकड़ने और उन्हें जेल पहुंचाने का काम करता है। क्रिमिनल्स और ड्रग डीलर्स का सामना करने के लिए केविन कोल और उसके साथियों को बुलेट प्रूफ सूट दिया जाता है, लेकिन केविन कोल डिपार्टमेंट के दिए सूट को पहनने की बजाय अपने बॉस सार्जेंट टोर का ब्लैक पैंथर कॉस्ट्यूम पहन लेता है, जिसकी वजह से जब फायरिंग होती है तब ब्लैक पैंथर सूट की वजह से केविन कोल तो बच जाता है लेकिन उसके बाकी के सारे साथी मारे जाते हैं। जिसके बाद जब डिपार्टमेंट को इस बारे में पता लगता है तब डिपार्टमेंट के बुलेट प्रूफ सूट को ना पहनने की वजह से उसे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाता है, जिससे केविन कोल के मन में नफरत आ जाती है। और फिर इसके बाद केविन कोल किलमोंगर के साथ मिल जाता है और किलमोंगर उसे हर्ट शेप हर्ट भी खिलाता है, जिस वजह से केविन कोल यानी कि व्हाइट टाइगर एक बहुत ही पावरफुल ब्लैक पैंथर बन जाता है। नंबर 8 अजूरी। तो अजूरी टिचाला का ग्रैंडफादर है जो कि वकांडा के सभी किंग्स की तरह ही वकांडा को प्रोटेक्शन देता है। कॉमिक्स में अजूरी सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था फैंटास्टिक फोर अनलिमिटेड के इशू 1 में और उसके ब्लैक पैंथर होने की बात सामने आई थी ब्लैक पैंथर वॉल्यूम 4 के इशू 1 में। मार्वल कॉमिक्स के अंदर अजूरी एक बहुत ही पावरफुल ब्लैक पैंथर है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कैप्टन अमेरिका से भी फाइट कर चुका है। और वैसे एमसीयू में तो हमें अजूरी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अंदर अजूरी को एक पावरफुल ब्लैक पैंथर के तौर पर काफी अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। नंबर 7 ब्लैक पैंथर 2099। तो ब्लैक पैंथर 2099 अर्थ 2992 का कैरेक्टर है जो कि मार्वल कॉमिक्स में दिखा था सितंबर 2004 में आई ब्लैक पैंथर 2099 के इशू 1 में। इस स्टोरी लाइन के अंदर जब ओरिजिनल ब्लैक पैंथर यानी कि किंग टिचाला मर जाता है तब टिचाला के बाद वकांडा का नया राजा बनता है कशाम्बा, और वकांडा का नया राजा बनकर कशाम्बा पूरे वकांडा को रूल करता है और फिर इसके बाद आगे चलकर कशाम्बा डॉक्टर डूम के सक्सेसर को भी हराता है। कशाम्बा एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट होता है जो कि जब हर्ट शेप हर्ब लेता है तब उसकी पावर लेवल सुपर ह्यूमन लेवल तक एनहांस हो जाती है और वो एक बेहद ही पावरफुल ब्लैक पैंथर बन जाता है। नंबर 6 वेनमाइज्ड ब्लैक पैंथर। तो वेनमाइज्ड ब्लैक पैंथर एनगोजी नाम की एक लड़की बनती है जो कि एक नाइजीरियन स्टूडेंट होती है। मार्वल कॉमिक्स में एनगोजी एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है जिस वजह से उसके दोनों लेग्स पैरालाइज हो जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन जब वो अपने बग कलेक्शन के लिए एक ग्रास होपर को पकड़ती है तब उसी वक्त वेनम सिम्बियोट उससे बॉन्ड हो जाता है जो कि उस वक्त राइनो से बचकर भाग रहा होता है। लेकिन इसके बाद जब राइनो वहां आता है तब राइनो और ब्लैक पैंथर के बीच एक खतरनाक फाइट होती है और उस फाइट में राइनो ब्लैक पैंथर को जान से मार देता है, लेकिन फिर तभी एनगोजी राइनो को मारने के लिए वेनम से हेल्प मांगती है और फिर वेनम के साथ मिलकर वो राइनो को हरा देती है। जिसके बाद एनगोजी के इस काम को देखकर डोरा मिलाजे एनगोजी को हर्ट शेप हर्ब देती है और उसे टिचाला की जगह पर नया ब्लैक पैंथर बनाती है, जिसके बाद वो कहलाती है वेनमाइज्ड ब्लैक पैंथर।
नंबर 5 घोस्ट पैंथर। तो घोस्ट पैंथर ब्लैक पैंथर का एक बहुत ही पावरफुल वर्जन है, जिसके नाम से आपको पता लग रहा होगा कि इसके पास ब्लैक पैंथर और घोस्ट राइडर दोनों की पावर्स हैं। मार्वल कॉमिक्स की एक स्टोरी लाइन के अंदर जब गमोरा के पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स आ जाती है, तब वो यूनिवर्स के सभी बींग्स की सोल को एक दूसरे से मर्ज कर देती है, और ऐसे ही ब्लैक पैंथर और घोस्ट राइडर की सोल एक दूसरे से मर्ज हो जाती है, जिसके बाद जन्म होता है घोस्ट पैंथर का। और फिर उसके बाद ये ब्लैक पैंथर या यूं कहें घोस्ट पैंथर ब्लैक पैंथर की सारी पावर्स के साथ साथ घोस्ट राइडर की पावर्स का भी यूज कर पाता है, जैसे कि सुपर नेचुरल अवेयरनेस और हेलफायर मैनिपुलेशन। साथ ही ये घोस्ट पैंथर मोटरसाइकिल की बजाय एक आग से जलते हुए ब्लैक पैंथर की राइड करता है, और उससे वो दूसरे डायमेंशन में भी ट्रेवल कर पाता है। नंबर 4 मांगावर्स ब्लैक पैंथर। तो मांगावर्स ब्लैक पैंथर अर्थ 2301 का कैरेक्टर है, जो कि मार्वल कॉमिक्स के मांगावर्स से बिलोंग करता है। ये ब्लैक पैंथर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इस ब्लैक पैंथर के पास इजिप्शियन गॉड होरस की पावर्स हैं। ये ब्लैक पैंथर बहुत ही ज्यादा फास्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है, और तो और ये खुद को एक ह्यूमनॉइड पैंथर में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसके साथ ही मांगावर्स ब्लैक पैंथर स्पिरिट को समन कर सकता है, दुनिया की सारी नॉलेज रखता है, और ये ब्लैक पैंथर एक फैल्कन भी बन सकता है और विंग्स को समन करके फ्लाई भी कर सकता है। नंबर 3 टिचाका। तो टिचाका टिचाला का फादर और वकांडा का फॉर्मर किंग है। टिचाला से पहले टिचाका ही ब्लैक पैंथर होता है, जो कि वकांडा का प्रोटेक्टर बनकर वकांडा और वकांडा के लोगों को प्रोटेक्ट करता है। हर्ट शेप हर्ब की वजह से टिचाका सुपर ह्यूमनली बहुत पावरफुल है। साथ ही टिचाका एक वकांडन वॉरियर भी है, और एक वकांडन वॉरियर होने की वजह से टिचाका सभी तरह के हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी जानता है। लेकिन कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के अंदर किंग टिचाका की डेथ हो जाती है, जिसके बाद टिचाला को वकांडा का नया राजा बनाया जाता है। नंबर 2 एरिक किलमोंगर। एरिक किलमोंगर यानी कि एरिक स्टीवंस टिचाका के भाई एनजोबू का बेटा है, जिसका उसकी लाइफ में हमेशा से एक ही मकसद रहा है, अपने फादर की डेथ का बदला लेना। और वैसे तो एमसीयू में किलमोंगर की स्टोरी को शॉर्ट में निपटा दिया गया है, लेकिन बात करें कॉमिक्स की तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर किलमोंगर काफी लंबे समय तक वकांडा के साथ रहता है, और काफी वक्त के लिए वकांडा का राजा भी बनता है, और उसी दौरान उसे हर्ट शेप हर्ब भी मिलता है, जिसे लेकर वो ब्लैक पैंथर बनता है और वकांडा की प्रोटेक्शन करता है। किलमोंगर एक बेहद ही पावरफुल ब्लैक पैंथर है, जो कि कॉमिक्स में बिना किसी वेपन का यूज किए सिर्फ अपने हाथों से एक बुल और एक एलिफेंट को मार देता है। इसके साथ ही किलमोंगर हैंड टू हैंड फाइट्स में भी इतना स्किल्ड है कि वो अपने भाई टिचाला को भी बराबरी की टक्कर देता है। नंबर 1 टिचाला। तो टिचाला मार्वल का ओरिजिनल ब्लैक पैंथर है, और ब्लैक पैंथर होने के साथ ही टिचाला वकांडा को रूल भी करता है। वकांडा पूरे अर्थ की सबसे एडवांस कंट्री है, और वकांडा को इतना एडवांस बनाता है उसके अंदर पाए जाने वाला वाइब्रेनियम। और टिचाला वकांडा का किंग होने की वजह से इन सारी वाइब्रेनियम टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकता है। टिचाला अब तक के सारे ब्लैक पैंथर्स में सबसे पावरफुल है, जो कि टाइम टाइम पर अपनी पावर्स को दिखाता भी आया है। टिचाला को वकांडन गॉडेस बास से पावर्स मिली है, जो कि इसे वकांडा के सारे लोगों में सबसे पावरफुल बनाती है। एमसीयू में भी टिचाला कैप्टन अमेरिका को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में टक्कर दे चुका है, विंटर सोल्जर को एक ही अटैक में नॉकआउट कर चुका है, और एवेंजर्स के साथ मिलकर थैनोस और उसकी आर्मी का भी सामना कर चुका है। इनके अलावा मार्वल कॉमिक्स के अंदर ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला एवेंजर्स का लीडर बनकर पूरी एवेंजर्स टीम को भी लीड कर चुका है। तो यही ब्लैक पैंथर के 10 सबसे पावरफुल वर्जन्स के ऊपर एक वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप ब्लैक पैंथर वर्सेस नेमोर के बैटल कंपैरिजन पर एक वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम इस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो ला सकें। और शज़ैम 2 को लेकर भी एक अपडेट है कि एक बहुत ही कमाल की वीडियो शज़ैम के ऊपर भी आने वाली है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल की और वीडियोस को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप हमारी टॉप 10 मोस्ट पावरफुल ओलंपियन गॉड्स नेक्रोसॉर्ड वर्सेस थंडरबोल्ट, ओडिन वर्सेस ज़ियस, और स्टॉर्म ब्रेकर वर्सेस थंडरबोल्ट वर्सेस म्यूनिट जैसे कमाल के टॉपिक्स पर भी वीडियोस देख सकते हैं। मैं इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट जरूर करना। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।